ખેડાના ગોબલેજ પાસે આવેલ પ્લાસ્ટિકના રોલ બનાવતી ફેક્ટરીમાં વહેલી સવારે ભીષણ આગ લાગી હતી. આગની જાણ થતાં જ નડિયાદ ફાયર બ્રિગેડના 3 વોટર બ્રાઉઝર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. આગનું વિકરાળ સ્વરૂપ જોતા જ ફાયર વિભાગ દ્વારા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. નોંધનીય છે કે નડિયાદ, ખેડા, અસલાલી, અમદાવાદ, ધોળકા, બારેજા ફાયર બ્રિગેડની ટીમો અહીં હજુ પણ આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પ્રયાસો કરી રહી છે. આ આગની ઘટનામાં ફેક્ટરીમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્લાસ્ટિકના રોલ અને રો મટીરિયલ હોવાના કારણે ભીષણ આગ લાગી હોવાનું ફાયર બ્રિગેડના સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. ये आग जो लगी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जगह है फार्मोसा सेंथेरी प्राइवेट लिमिटेड में, और मॉर्निंग का कॉल था, नॉर्मली 5 बजे का कॉल था जिसमें अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक कॉल मिला फर्स्ट कॉल, एंड वहाँ से रिस्पॉन्ड हुआ. असलाली फायर ब्रिगेड की टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद फॉलोड बाई तकरीबन 14 व्हीकल्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड किए नियर बाई इंडस्ट्रीज के, कॉरपोरेशन के और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. अभी तो आप देखें आग में काफ़ी देर काबू पा लिया गया है और थोड़ा सा टाइम और लेगा इसको पूरी तरह से डोज करने में. फायर व्हीकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फायर टीम अवेलेबल है, 3 तरफ से कूलिंग प्रक्रिया चालू है, और जो मेटेलिक स्टिक अप हो चुका है तो उसका हटाने का कार्यक्रम चल रहा है. पूरा एरिया है, आप देखेंगे वेयर हाउस है 70,000 स्क्वायर फिट का, और मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास और टाइम लगेगा पूरी तरह उसको डोज करने में.